नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक डिलाइट विद पल्लवी यानी मेरे साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं करेला मसाला फ्राई। आपने बहुत तरीके का करेला रेसिपी खाया होगा, लेकिन आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जिन्हें करेला नहीं पसंद उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। हमारी आज की रेसिपी बहुत ही आसान है और हम कोई भी ऐसा चीज यूज नहीं करेंगे जो आपके किचन में ना हो। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसके नीचे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन में प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए ये आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। हम पहले देख लेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। हमें चाहिए आधी छोटी चम्मच जीरा। मसाले में हम ले लेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर। यहाँ मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज को लंबा लंबा काट लिया है। एक बड़ा टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ मैंने सात करेला लिया है, जिसे मैंने थोड़ा छील लिया है और कोनों को काट के अच्छे से धो लिया है। करेले को छीलना ये आपके ऊपर है। यहाँ अपने पसंद का कोई भी तेल ले लेंगे, नमक स्वाद अनुसार। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम पहले करेले को काट लेंगे। मैंने यहाँ एक करेला लिया है और इसे इस तरह पतला पतला काट लेंगे। आप चाहे तो बीच में चीरा लगा के भी पतला पतला काट सकते हैं। एक करेला हमारा कट चुका है, इसी तरह हम बाकी करेले को भी काट लेंगे। करेला हमारे यहाँ कट चुका है। अब इसके कड़वाहट को कम करने के लिए मैं एक तरीका बताती हूँ। हम एक चम्मच भर के यहाँ नमक दे देंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हम ढकना हटा के देखेंगे कि करेले ने बहुत पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे इसी तरह निचोड़ निचोड़ के सारे करेले को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं अब करेले में बिल्कुल भी पानी नहीं है और करेले ने कितना पानी छोड़ा है। यही करेले का कड़वाहट है। हम इसे फेंक देंगे और करेले को 2-3 बार अच्छे से धो लेंगे। अब हम गैस ऑन करके उसमें कढ़ाई चढ़ाएंगे और फुल फ्लेम में उसे गर्म कर लेंगे। कढ़ाई के गर्म होते ही इसमें हम 2 बड़ा चम्मच तेल दे देंगे। तेल आपके कोई भी पसंद का हो। हम पहले हमारे करेले को फ्राई कर लेंगे। हम सारे करेले को तेल में दे देंगे और 3-4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे फुल फ्लेम में। 3-4 मिनट बाद अब हम इसे ढक देंगे और 5 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे। 5 मिनट बाद हम ढकना हटा के इसे एक बार बीच में चला लेंगे और इसे वापस ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारा करेला थोड़ा ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम छान के निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम हमारे जीरा दे देंगे और इसे आधे मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। आधा मिनट बाद हम हमारे कटे हुए प्याज इसमें दे देंगे और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब ये सुनहरे रंग का नहीं हो जाता। 7-8 मिनट बाद देखेंगे कि प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम फ्लेम को कम कर देंगे क्योंकि इसमें हमें सूखे मसाले डालने हैं, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब इसमें हमारे सूखे मसाले हम डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट बाद हम इसमें हमारे कटे हुए टमाटर दे देंगे और स्वाद अनुसार नमक दे देंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी से गल जाए। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के हम इसे 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट बाद हम इसे ढक देंगे। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम उसमें हमारे फ्राई किए हुए करेले को डाल देंगे। अब हम गैस को फुल करके 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। अब हम इसे ढक के 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 10 मिनट बाद हम ढकना हटाएंगे
और देखेंगे कि हमारा करेला मसाला फ्राई हो चुका है, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ढक के 3-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये रहा हमारा टेस्टी करेला मसाला फ्राई बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। जो बच्चे करेले खाने में नखरे करते हैं उन्हें भी करेला की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे रोटी, पराठा या बस दाल चावल के साथ खाइए, ये आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन में प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।